पिछले वाले चैप्टर में यहाँ तक हमने देख लिया था, और जैसे ही हमने पिछले चैप्टर में देख रन किया प्रोग्राम, ऐसा आ गया था और मेरे को मज़ा नहीं आया था। तो इसका क्या कारण है कि मैंने दो दो क्लास सेट कर रखा है, ठीक है? तो दो दो क्लास सेट नहीं करना चाहिए हमको। इस क्लास को कट करूँगा और इधर ही आके पेस्ट कर दूँगा ऐसे, ठीक है? और इसको भी कट करूँगा मैं, ठीक ना? और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। ये क्लास की जरूरत हमके नहीं है, ठीक? चलिए ऐसा हो गया। आगे हमारा डिजाइन ठीक है, तो अभी ठीक दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिट और डिलीट का कोड करते हैं इवेंट पे, ठीक है? तो इसका है एक दो तरीके, तीन तरीके जो भी हैं। मैं इसके कोड दो तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूँ भी, ठीक है? तो हम यहाँ एडिट वाले पे जाते हैं या डिलीट वाले पे चले जाएं? डिलीट वाले पे पहले जाते हैं, ठीक है? तो एक तो कोड ऐसा है कि हम यहाँ पे कर दें, ठीक है? क्या कर दें, डॉलर ऐसे डॉट डॉट सी ए था इसी के क्लिक, ठीक है? फंक्शन पास कर देंगे ऐसे, बस हो तो गया। और क्या चाहिए, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सेमी कॉलन दिया, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दिस। दिस मतलब इस बटन पे हमारा इवेंट, इस बटन पे ये क्लास लगा है और उस क्लास पे हम इवेंट लगाए हैं, तो दिस का मतलब यहाँ बटन हो गया, ठीक है? अब बटन का कौन सा एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट में हमारा डेटा है, ठीक? तो मैं क्या करूँगा, इसको जेक्वेरी सेलेक्टर से डॉलर के माध्यम से ऐसे कर लूँगा, फिर डॉट ए टी टी आर ऐसे कर लूँगा और यहाँ पे दे दूँगा आईडी, ठीक? यहाँ पे आके गूगल कोड दे ऐसे, ठीक है? ऐसे दे दिया, सेव कर देता। मैं जाऊंगा यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करा, कुछ नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना, होना चाहिए था जी। तो क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए कि एजेक्स का हम रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? तो एजेक्स का रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर से डेटा आने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये डेटा नहीं आया रहता है, उसके बीच में ही नहीं आया रहता है ये डेटा, उससे पहले ये चीज़ें चल जाता है, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए, और यहाँ पर डेटा अपेंड होता है बारी बारी से लूप चल के, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है? भाई ये हमारा लूप है, तो लूप का यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं यहीं पे इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर दूँ तो क्या बुराई है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, अब इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ जी, मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, डिलीट पे मैंने कॉल करा था, तो ये देखिए आ रहा है, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका आईडी, ठीक है? तो यहीं पे अगर हम कोड कर देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोड ना करके यहाँ डी डेल नाम का फंक्शन में यहाँ पे डी लेट अंडर स्कोर स्टूडेंट कर देता हूँ फंक्शन कॉल, और फिर क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे कोड करूँगा और यह फ्यूजन्स फंक्शन के अंदर इसको हम रख देंगे, इस फंक्शन को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन और इसके नीचे क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन कॉल करा, यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक अपना लिखेंगे, राइट? अब ये अभी भी वैसा ही काम करेगा, ठीक है? ये देखिए, ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये पूरा डेटा सीरियल से आ रहा है, पूरा ये एक आ रहा है, ये दो आ रहा है, ये तीन आ रहा है, ये चार आ रहा है,
तो मैंने डेटाबेस में कोई भी डेटा डिलीट नहीं किया था, आप देखे थे आपके सामने मैंने जो है डेटाबेस क्रिएट करा था और इंसर्ट करा था। तो इस सीरियल से इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी डेटा डिलीट डिलीट नहीं किया, सब कुछ आपके कामने से सामने कर करा है, तो इसीलिए सीरियल से आ रहा है। दो चार डेटा मैं डिलीट कर दूंगा तो ये सीरियल से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका ये है। दूसरा टेक्निक ये है कि मैं इसको करता हूँ कमेंट और यहीं पे कोड लिखना शुरू करता हूँ। दूसरा टेक्निक क्या है, डॉलर ईच फंक्शन वगैरह कॉल कर दिया जाता है, डॉट ई ए सी एच ईच मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब लूप चलता है तो मल्टीपल बटन्स आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स बटन आएंगे तो सभी, एक से ज़्यादा बटन है तो सभी बटन के लिए लूप चलाएंगे, तो ईच मेथड जो है लूप चलाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फिर से एक बार करेंगे यहाँ पे दिस, ठीक, दिस लिख देंगे, दिस डॉट सी एल आई सी के ऐसे। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यही कोड को लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्केट कर देता हूँ, क्या कॉन्केट करूँगा, सी एल आई सी के, एक क्लिक से चल रहा है, ठीक है। और फिर एक लूप के बाहर, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, यहाँ पे आकर के क्लिक के जगह पे यहाँ लूप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या होगा, ये डिलीट मेथड अभी नहीं चलेगा, इसको मैंने कमेंट आउट करा है यहाँ पे और इसको मैंने यहीं पे कोड करा है, ठीक है। तो इस मतलब ये है ना कि जब डेटा आपके वेब पेज में आ जाए तब इवेंट कॉल हो यहाँ पे, या फिर डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, तभी हमारा इवेंट काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तो ए वाला सिलेक्टेड मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कमेंट कर रखा है, तो अभी चलेगा ए वाला मेथड। देखिएगा इसमें क्या होगा, अभी डॉट कॉम क्यों नहीं किया, करना चाहिए था काम इसको, दिस डॉट डॉलर क्लिक ईच फंक्शन, शिफ्ट फाइव में दबाता हूं, कुछ तो प्रॉब्लम है इधर, प्रॉब्लम वही होगा पहले चल जा रहा होगा। दिस डॉट एट्रीब्यूट इन सब को गायब करता हूँ मैं, काहे के लिए इधर लिख दिया, ऐसा चेक करने के लिए मैंने लिखा था। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस यहाँ पे आया, ईच मेथड कॉल करा, डॉलर डॉट स्टूडेंट डॉट ईच फंक्शन में आया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आया, ठीक है। यहाँ पे ये कर ली, एक मिनट का टाइम देना, मैं लेट नहीं करना चाहता। देखिए प्रॉब्लम इधर कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगाया है, ठीक है। आया यहाँ पे, फिर भी नहीं कॉल होगा, क्यों भाई कहे नहीं कॉल हुए, डेल स्टूडेंट था, डिलीट स्टूडेंट मैंने कहे लिख दिया, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है, डेल स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कॉल करा सारा चल गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कंटिन्यू करके लूप लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा सी एल एस, ये देखिए। तो लूप वाला जो है जितना भी यहाँ पे आपका रो होगा सभी के अकॉर्डिंग एक बार पूरा लूप चला देगा, फिर आप जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला चलेगा, ठीक है। तो ईच में लूप चलता है, तो आपका जो मर्जी इस्तेमाल करो यार, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला टेक्निक पसंद नहीं है, ये लूप वाला, ठीक है।
पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई समस्या है? कोई नहीं है वैसे समस्या, ठीक है। तो मैं हटा दूंगा इसको ऐसे। जो है बिजनेस लॉजिक आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक जो भी है। तो मैं इन सभी मेथड को हटा दूंगा ऐसे, फिर क्या करूँगा, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, लेट आईडी, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, डेटा हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, एजेक्स कॉल करना है। तो मैं फिर से डॉलर डॉट एजेक्स कर लूँगा ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे मैं थर्ड लिखूँगा, डिलीट मेथड में बनाया था ना, पता नहीं बनाया था कि नहीं, देख लेते हैं, चल जाएगा तो बनाया था डिलीट मेथड, नहीं चलेगा तो नहीं बनाया था, ठीक है। यू आर एल इक्वल टू स्टूडेंट, इसी में मैं ऐसे करके आईडी करके सेंड कर देता हूँ यहाँ पे, कॉन्कैटिनेट करके आईडी पास कर दूंगा ऐसे। फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, और यस यू सी सी सक्सेस, सक्सेस इवेंट में मैं ले लूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को कंसोल करा दिया। आते हैं सर्वलेट में, देखता हूँ डिलीट मेथड के में क्या है। तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। और रिकॉर्ड नॉट फाउंड के लिए तो मैंने कोड ही नहीं करा, कर देता हूँ कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ये टू डिलीट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऐसे करूँगा, और फिर ओ यू टी डॉट प्रिंटी प्रिंट मेथड लगाऊँगा, और क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स, यहाँ पे लिख दूँगा मैं आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रिलोड हो जाओ भाई, रिलोड हो गया। रिलोड किया मैंने, ठीक है, एक आ दो आ रहा है, ठीक। एक कहाँ से आ रहा है, एक दो, ये देखिए, ये यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दूं, ऐसे फ्रॉम सर्वर, तो लिखा जाएगा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। तो हम डिलीट मेथड इसके लिए कॉल कर दिए, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जैसे ही रिलोड होगा वैसे ही फ्रॉम सर्वर लिखा के आ जाएगा। भाई नहीं लिखाएगा क्या, मज़ा नहीं आएगा। स्टार्ट कर देता हूँ मैं सीधा सर्वर, ये लोड हो रहा है, होने दीजिए। अब मैं इसको डिलीट बटन पे क्लिक कर देता हूँ,
दबाया, रिस्पॉन्स ठीक है। नहीं आ रहा है अभी भी। और बिल्ड कर देते हैं और क्या, क्लीन कर देते हैं तो जो है आ जाएगा रिस्पॉन्स फ्रॉम सर। बिल्ड हो जाए तब तक वेट करने का, ये हो रहा है ठीक है। ये देखिए डिलीट फ्रॉम सर्वर आ गया, थोड़ा टाइम लगता है जो है, तो आप क्लीन कर लिया करो ऐसे ठीक है। तो यहीं पे हम डिलीट करने का बिजनेस लॉजिक लिख देंगे ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस कोड को काइंड कॉपी करूँगा ऐसे, इसको हटाऊंगा और इसमें मैं क्या करूँगा 404 लिखूंगा एप्लीकेशन ले जैसे ठीक ऐसे। अब जब एरर में रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्यों लिखा हूँ, फाउंड होता है ना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड ठीक। रिकॉर्ड नॉट फाउंड को शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, बस वेयर आईडी 100 कर दूंगा, कंडीशन ये दे दूंगा मैं ठीक है। तो आएगा नहीं और फिर हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो है चलेगा। लेकिन अब की बार अगर जीरो रिकॉर्ड आएगा ठीक है, ये स्टूडेंट डॉट साइज मैंने साइज चेक करा है, जीरो रिकॉर्ड अगर आता है तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन करो, स्टेटस में सेट कर दो 404, रिकॉर्ड कर दो नॉट फाउंड। अगर जीरो नहीं है रिकॉर्ड तो क्या करो, एप्लीकेशन स्लैश जेसन रहेगा, स्टेटस में 200 मतलब सर्वर से सक्सेसफुली आ गया रिस्पॉन्स, और डेटा में दे दो डेटा ठीक। चलिए जी, आप इसको चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं इधर ऊपर, और फिर क्योंकि दोनों में तो जेसन ही हम लोग सेंड कर रहे हैं, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। हम अब आ जाएंगे यहाँ ठीक है, ये देखिए एरर में है ठीक है। तो एरर को मैं यहाँ पे अभी हटाता हूँ और आप देखिएगा कि एरर में क्या आता है ठीक है। अब एरर ये देखिए वो आ गया 404 नॉट फाउंड का ठीक है। 404 जैसे नेटवर्क में अगर जाएं ठीक है, ये देखिए आ गया स्टेटस 404 जो हमने दिया था ठीक है। अब हम क्या मैसेज दे देंगे, इवेंट ट्रिगर हुआ ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है ठीक, और स्टेटस कोड चाहिए तो ये देखिए 404 ठीक। तो हम ऐसे देख लेंगे, तो यही रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट हमें प्रिंट करा देना है ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पे ठीक है, ये है पूरा डेटा ठीक है। और आके मैं क्या करूँगा, डेटा को प्रिंट करा दूंगा सीधा, और क्या डेटा के अंदर ठीक। मैं कुछ डिजाइन वगैरह तो नहीं बना रहा हूँ अभी, और अपेंड के जगह पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया, स्टेटस कोड जीरो ठीक। तो अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा। अब इसको सेंटर वेंटर में लाना, फॉर्मेटिंग करना जो है मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं इसको भूल गया था तो मैंने चेंज कर दिया लॉजिक ठीक है। अब डाओ में आकर के डाओ में आते हैं ठीक है, और इसको हटा देते हैं बैक लॉजिक। तो अब डेटा सारा डेटा आएगा ठीक है, और जो है टोटल रिकॉर्ड हमको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। लोडिंग हुआ, ये देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से आप मैनेज करेंगे स्टेटस कोड वगैरह दे करके राइट। तो यहाँ पे अब आ गया ठीक है, अब हम डिलीट का काम करते हैं ठीक है।
समय कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। समय इतना जल्दी बीतता कैसे है? मुझे तो समझ नहीं आ जाता। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसको बड़ा करता हूँ मैं, और फिर क्या करूँगा? एक गेट मेथड है, इसको मैं कर दूँगा ऐसे, गेट मेथड हो गया, एक डिलीट मेथड है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? देगा इसलिए int करेंगे, id लिखेंगे और फिर integer dot parse और दे देंगे user id, integer में मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम दे देंगे student DAO को, इसके अंदर हमने बनाया होगा ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कॉपी फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? DAO डॉट डिलीट, डिलीट मेथड बनाएंगे, इसको देंगे आईडी, ये बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है, इज डिलीट इक्वल टू ऐसे इफ बोलेंगे हम यही दे देंगे रिस्पॉन्स कोड वगैरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 200 और जेसन में ऐसे लिखने का क्या जरूरत है, टेक्स्ट मैसेज दे देंगे, डन। डन दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बूलियन लिखना मैं भूल गया, बूलियन ऐसे लिख देंगे और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? क्रिएट कर देंगे मेथड और यहाँ पे मेथड हम बनाना शुरू कर देंगे। डेटा बेस डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन कनेक्शन में होल्ड कर लेंगे, फिर आएंगे नीचे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? कॉमा दे दूंगा, स्टूडेंट वेयर, हमें वेयर क्लॉज देना अत्यंत आवश्यक है, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों वेयर क्लॉज देना अत्यंत आवश्यक है? क्योंकि स्टूडेंट डिटेल्स में किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैं बोल दूंगा जिसका आईडी, जिसका मैं दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आईडी हो उसको डिलीट कर दो, ठीक। तो आ जाऊंगा यहां पे, फिर ps dot set int 0, देखिए आ गया। फिर क्या करेंगे? ps dot execute, execute update, ठीक है। अब क्या करो? if equal equal 1 है तो क्या कर दो? done, ठीक है, बोल देंगे अब delete success, रिटर्न DRE2, ठीक है, ऐसे, अन्यथा नीचे तो फॉल्स रिटर्न हमने कर ही दिया है, ठीक है। इसको शॉर्ट हैंड टेक्निक से भी आप लिख सकते थे ऐसे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रहने दीजिए, कर लीजिए, ब्रेसेस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया,
अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तेरा काय के लिए दे रहा है भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है, सेव नहीं किया था, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब जैसे डिलीट स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या इस बिजनेस लॉजिक को लिखा है, तो जब आप HTML के थ्रू डेटा गेट करते तो यही सेम बिजनेस लॉजिक इसके अंदर लिखा जाता, ठीक, और डेटा के अंदर से हम ID निकाल लेते, ठीक है, डेटा डॉट एट्रीब्यूट करके, ठीक है, और एडिट के लिए भी ऐसे ही लिखते, तो मैं इन सबको डिलीट कर दूँ, रहने दो, डिलीट कर देता हूँ, आप तो समझ ही गए होगे क्या करना है, ठीक है, डिलीट करता हूँ। आते हैं यहाँ पे, आ गया, राइट क्लिक करता हूँ, आता हूँ कंसोल पे, ठीक है, इस पे नीचे से डिलीट करता हूँ, डिलीट करा, इधर पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, फिर डिलीट करा, टू आ गया, ब्लैंक मैसेज आ रहा है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर ब्लैंक मैसेज आ गया, ठीक है, डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, राइट, क्यों भाई डेटा डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन आया है, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। स्टूडेंट्स है, मैंने गलत टेबल का नाम दे दिया, क्या करें दिमाग इस ऐसे, ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे टाइप मैं करे जा रहा हूँ जब तक कि रिस्पॉन्स में कुछ ढंग का ना आ जाए, डन ना आ जाए, ठीक है, डिलीट बटन पर क्लिक करा, अब भी कुछ नहीं आया है, सर्वलेट रिलोड नहीं हुआ होगा, कंसोल क्लियर है, कंसोल इस पे क्लिक करा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, ओ इस टेबल फिर से मैं गलत लिख दिया, क्या टेबल है, फिर से गलत ही लिखा, ये सही है टेबल है, अब कोई गलती नहीं है, किया ऐसे, इस पे क्लिक किया, क्लिक फिर से ब्लैंक, अब क्या गलती कर दिया भाई मैं, लगता है स्टूडेंट मैंने सही लिखा है स्पेलिंग, बस प्रोजेक्ट को एक बार क्लीन करता हूँ, ये पुराना वाला एरर दे रहा है, कोई वो नहीं है, करूंगा इस पे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, फिर भाई भाई क्या समस्या हो गया इसको, ई भी गलत ही है, नहीं यार ये तो गलत नहीं है, फ्रॉम कंसोल पे देखते हैं क्या गलत है, कंसोल तो दिखाएगा, रिटर्न ट्रू सर्वलेट, डिलीट इधर आएगा, ट्रू डू डिलीट, इसको आउटपुट ये देना चाहिए, एल्स ब्लॉक में भी दे दे क्या हम कुछ, अब देखते हैं क्या आता है, एरर काई के लिए भाई, एरर इंडिगल स्टेट, क्लीन किया,
आईडी आ तो रहा है ना कि नहीं आ रहा है आईडी? आईडी प्रिंट करा के देखते हैं। डिलीट हुआ है भाई, ये देखिए डिलीट हो रहा है, बस डन का मैसेज नहीं आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो डेटा डिलीट हो रहा है, डन का मैसेज बस नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये देखिए आ रहा है आईडी। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट हमने कॉल करा। ठीक है, तो परफेक्ट इक्वल इक्वल वन हो जाए तो काम हमारा बन जाए। ठीक है, चलिए कमेंट आउट करके इसको देख ही लेते हैं थोड़े देर के लिए। ऐसे ये क्या रिटर्न कर रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, डेटा को डिलीट करता हूँ मैं। अच्छा, डिलीट करने पे हट नहीं रहा है तो इस बताऊंगा मैं क्यों नहीं हट रहा है। डिलीट किया वो डेटा गायब हो गया सर्वर पे, ये देखिए आ गया डेटा 6 और एक नीचे आ गया 1। ठीक है, मतलब ये हमारा कंडीशन ठीक है, रिटर्न कर रहा है 2। ठीक है, तो फिर समस्या किधर भाई? ये तो रिटर्न कर रहा है 2 इज डिलीट, इफ डिलीट यहाँ पे है, तो इन भाई साहब को क्या समस्या है? इकरा के नाम हटा देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन से जेसन लिखा था तो समस्या उसी का होगा जो है। आखिरी रिकॉर्ड बचा है भाई, ये अभी भी एरर ही आया है, एल्स मिल गया है 404 स्टूडेंट नॉट फाउंड। चलिए देखेंगे हम इसको अगले वीडियो में, डेटा तो डिलीट हो ही रहा है अभी। ठीक है, ओके, अब ड्यूरेशन ज़्यादा मैं नहीं चाहता इससे।